नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं द इनर ट्यूबर चैनल। यहां पे सुकन्या समृद्धि योजना में 2020 तक में क्या क्या अपडेट्स हुई हैं उनके बारे में आप लोगों को एक डिटेल वीडियो लेकर के आया हूं। चार मेन अपडेट्स हैं जो कि 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में हुए थे और 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में भी आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो इनके बारे में आप लोगों को एक बार रिमाइंड कराना जरूरी है अगर आप लोग सुकन्या समृद्धि योजना अपनी बच्चियों के लिए ओपन करने जा रहे हैं। और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करके उनको जरूर बताइएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है बच्चियों के लिए, पढ़ाई के लिए उनकी और उनकी शादी के लिए। सबसे पहला अपडेट कि मिनिमम बैलेंस का अपडेट। देखिए, मिनिमम बैलेंस का अपडेट ये हुआ है कि अब आप लोगों को सालाना केवल 250 रुपये मेंटेन रखने हैं। पहले 500 रुपये था, लेकिन अगर आप लोग 250 रुपये से कम का पैसा डालते हैं एक साल में तो आप लोगों के अकाउंट को होल्ड पे रख दिया जाएगा, जिस पे आप लोगों को 4% का इंटरेस्ट मिलता रहेगा जब भी आप लोगों का अकाउंट होल्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा से आप लोगों को अपने अकाउंट को रिवाइव कराना पड़ेगा सुकन्या समृद्धि योजना का, तब जाकर के आप लोगों को सुकन्या समृद्धि योजना का इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्ट को कंटिन्यू करना चाहते हैं जो कि 8.7% है, तो आप लोगों को मिनिमम सालाना बैलेंस 250 रुपये है एक साल में जरूर डिपॉजिट करना होगा। दूसरा जो कि आप लोगों का प्री मेच्योर क्लोजर को लेकर के है, तो प्री मेच्योर क्लोजर को लेकर के बहुत सारी आप लोगों के कन्फ्यूज़न है, तो यहाँ मैं आप लोगों के सारे कन्फ्यूज़न क्लियर कर देता हूँ। देखिए, दो कंडीशन जो कि मेन कंडीशन है, अगर गर्ल चाइल्ड की जिसके नाम पे सुकन्या समृद्धि योजना खुला हुआ है, अगर उस एप्लीकेंट की डेथ होती है तो आप लोगों का सुकन्या समृद्धि योजना बंद हो सकता है। गार्जियन के डेथ पे, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना जो भी एप्लीकेंट के नाम पे, बच्ची के नाम पे खुला हो, उसका गार्जियन उसे ऑपरेट कर रहा हो, उसे चला रहा हो, ठीक है, और बच्ची अभी 18 साल की नहीं हुई है, अब उसके लिए डिपॉजिट करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो वहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना को क्लोज किया जा सकता है जो कि ये न्यू अपडेट में है। और कोई भी इमरजेंसी, जैसे कि बच्ची की हेल्थ की इमरजेंसी आ गई, यहाँ तक कि आप पेरेंट्स जो भी गार्जियन हैं उनकी भी अगर हेल्थ इमरजेंसी आती है तो इसमें से कुछ पैसा निकाल सकते हैं, पूरी तरीके से क्लोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन बच्ची की हेल्थ इमरजेंसी या फिर पढ़ाई के लिए या फिर प्रीमेच्योर, अगर वो 21 साल से पहले उसकी शादी हो जाती है लेकिन 18 साल के बाद होती है, तो वो पूरी तरीके से इस अकाउंट से पैसा निकाला जा सकता है, प्रीमेच्योर क्लोजर किया जा सकता है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे कि कौन ऑपरेट कर सकता है सुकन्या समृद्धि योजना को, देखिए केवल गार्जियन ऑपरेट कर सकते हैं इस अकाउंट को, ठीक है, लेकिन अगर बच्ची 18 साल की हो जाती है तो इसके पास राइट है कि वो अपने अकाउंट को वो टेक ओवर कर सके। ठीक है, केवाईसी करनी पड़ेगी दोबारा से, बच्ची के पास पैन कार्ड होना चाहिए, तो उसके पास सुकन्या समृद्धि योजना हो जाएगा, यानी कि अब वो अपने बिहाफ पे ऑपरेट कर सकती है। लेकिन अगर वो 18 साल की हो जाती है, आप लोग अगर इसके अपडेट नहीं कराते हैं, उसको टेक ओवर नहीं करते हैं, तो भी आप लोग उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, आप लोगों को सेम इंटरेस्ट रेट जो भी सुकन्या समृद्धि योजना पे होगा वो मिलता रहेगा। अब यहाँ पे ओपन करने के लिए एक नया रूल जो कि 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में आप लोगों के लिए अपडेट किया गया है। देखिए, सबसे पहले तो अगर बच्ची 10 साल के अंदर है तो सुकन्या समृद्धि योजना कोई भी पर्सन अपनी बच्ची के लिए खोल सकता है। यहाँ पे मैक्सिमम 2 बच्चियों के लिए अलाउ था, ठीक है, कोई भी सिंगल पर्सन 2 सुकन्या समृद्धि योजना खोल सकता था 2 बच्चियों के लिए, लेकिन अगर उसके पास 3 बच्चियां हैं तो उनके लिए भी वो सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खोल सकता है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। आप लोगों को कोर्ट से एफिडेविट बनवा करके, एक स्पेशली जिसमें आप लोगों का मैंशन हो, बच्ची के डेट ऑफ बर्थ आप लोग गार्जियन मैंशन हो, वो स्पेशली 3rd बच्चे के लिए आप लोगों को देना होगा, तो आप लोग 2 से ज़्यादा बच्चियों के लिए भी सुकन्या समृद्धि योजना खोल सकते हैं। तो ये जो है 4 मेन अपडेट है, बाकी इसमें मैक्सिमम आप लोग 1.5 लाख रुपये तक का सालाना एक इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है, अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके दूसरों को बताइए इस योजना के बारे में, जो भी अपडेट्स हैं उनकी मैंने आप लोगों को डिटेल दी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सकेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।